आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा इज इक्वल टू 2 इनटू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह प्रश्न क्लास 10 के एग्जाम में यूपी बोर्ड 2001-2007 में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में दोहराया जा सकता है। हल करने से पहले, चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज की वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, क्या होगा यहां पर, हम देख रहे हैं कि हर समान तो है नहीं, ठीक, तो हम त्रिय गुणा करेंगे। ठीक, क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या होगा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, प्लस 2 साइन थीटा अपान क्या होगा नीचे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां पर आपने फार्मूला यूज किया है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या होगा यहाँ पर, 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। ये बताओ 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा ना, तो पहला रिजल्ट आ गया हमारा, फर्स्ट रिजल्ट, ठीक, फर्स्ट राइट हैंड साइड आ गया है। सेकंड राइट हैंड साइड कैसे आएगा, सेकंड राइट हैंड साइड हमें लाना है ये वाला, कैसे आएगा भाई देखिए, ये बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला ये भी होगा sec थीटा बराबर 1 प्लस अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 sec थीटा के स्थान पर हम ये रख सकते हैं मान अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा सेकेंड राइट हैंड साइड है। ठीक, तो आ गया है, अतः आप लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज की वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिए।